गुजरात चुनाव में पीएम मोदी के अपमान का मुद्दा गर्मा गया है। डोर टू डोर कैंपेन के लिए अहमदाबाद पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कांग्रेस पर जमकर बरसे, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री के अपमान पर जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। कांग्रेस के द्वारा अब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उसे अन्य राजनीतिक पार्टियां भी ऊल जुलूल और फालतू आरोप लगाने की यह कोशिश करती हैं। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी के संबंध में अपशब्दों का प्रयोग करना यह स्वस्थ राजनीति के लक्षण नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग आज के कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा किया गया है, इसे मैं केवल आज के कांग्रेस के अध्यक्ष मिस्टर खड़गे की ही सोच का परिणाम नहीं मानता हूं, बल्कि पूरे कांग्रेस के नेतृत्व की जो जमात है यह उसकी सोच का परिणाम है। प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री स्वयं में एक संस्था होता है। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी जिस दिन से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, तब से उनको अपाच्य है, वो उसको पचा नहीं पा रही है। और उनका जो अहम है और उनका जो सोचने का स्तर है, वो ऐसी शब्दावली को जन्म देता रहा है। एक नहीं, अनेकों शब्द कहे हैं उन्होंने, जो प्रजातंत्र में शर्म आनी चाहिए एक राजनीतिक दल के नेता को उस तरीके के वाक्यों का और उस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हुए। लेकिन वो एक के बाद एक मोदी जी के पर टिप्पणी करते रहे हैं। ये उनके स्तर को बताता है, ये उनके विचार को बताता है, ये उनके सोचने के ढंग को बताता है, और उसी को आगे लेकर के उनके नेता चलते हैं। लेकिन भारत की जनता है वो मोदी जी के साथ खड़ी है और प्रेम करती है, विश्वास रखती है, इसलिए ऐसे लोग बोलते रहते हैं, रास्ते में मिलते रहते हैं, हमारा कारवां चलता रहता है। वहीं गुजरात चुनाव के पहले चरण के लिए बीजेपी नेता डोर टू डोर कैंपेन में जुट गए हैं। आज जेपी नड्डा अहमदाबाद में रोड शो करेंगे और बीजेपी की बंपर जीत का उन्होंने इसी रोड शो में दावा किया। नड्डा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, अहमदाबाद में आपका प्रचार अब शुरू हो चुका है, किस तरीके की उम्मीद आपको लोगों से मिल रही है? देखिए, आप देख रहे हैं जो उत्साह आपके सामने है, भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा समर्थन देने का काम पकड़ा है और भारतीय जनता पार्टी को लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, अथाह प्रेम मिल रहा है और एक अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। जो इलाके से आप प्रचार कर रहे हैं, पूरा रोड शो चल रहा है, ये थोड़ा मुस्लिम बहुल इलाका है, तो इस इलाके से आप किस तरीके की उम्मीद कर रहे हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको साथ लेकर के चलने की हमारी इच्छा है। हमारी इच्छा शक्ति के आधार पर लोग हमारे साथ जुड़े हैं और आप देखेंगे सब तरफ एक तरफा फैसला। ये आप देख रहे हैं उत्साह, ये उन्हीं का उत्साह है, कोई मैं बाहर से लेके तो आया नहीं हूँ। तो लोगों ने परिवर्तन देखा है और कांग्रेस के ये जो सीडो सेकुलरिज्म का नारा है इससे तंग आ चुके हैं और ये जो वोट बैंक की राजनीति है इससे तंग आ चुके हैं, और उनका भी विकास मोदी जी के नेतृत्व में ही हुआ है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में सभी दल अपना पराक्रम दिखाने के लिए बेताब हैं। बीजेपी आपको सत्येंद्र जैन की वीडियो के सहारे घेर रही है, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी की फिल्म को फ्लॉप बता रही है। दिल्ली के सियासी दंगल पर यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीख करीब आई तो सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंच छोड़कर दिल्ली की गलियों का रुख कर लिया। अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, वो ग्रेटर कैलाश विधानसभा में पदयात्रा निकाल रहे हैं, घर घर जाकर कैंपेन कर रहे हैं, पर्चे बांट रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, यहाँ पे जो तमाम लोग हैं इनके बीच पहुंचकर झाड़ू झाड़ू अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, और चलते रहिए क्योंकि यहाँ पर ये गली है तमाम। ये देखिए यहाँ पे जो लोग मौजूद है उन्हें पर्चा देकर अरविंद केजरीवाल झाड़ू के निशान पर वोट देने की बात कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दिया, जनता के बीच बैठकर चाय की चुस्कियां ली तो बीजेपी को जमकर कोसा। अब आपके पास आया हूँ, मेरे को बड़ी तकलीफ होती है, दिल्ली में कूड़ा कूड़ा हो रहा है चारों तरफ, बहुत गंदगी हो रही है, चारों तरफ कूड़ा कूड़ा हो रहा है।
सब्सिडी का काम है, इन्होंने करा नहीं। एक मौका दे दो, आज आपके यहाँ प्रजापति मोहल्ले में कह के जा रहा हूँ, आप मौका दे दोगे मैं कूड़ा साफ कर दूंगा पूरी दिल्ली का। दिल्ली एमसीडी चुनाव में सत्येंद्र जैन के वीडियो पर भी जमकर सियासत हो रही है। ऐसे में केजरीवाल ने बीजेपी की ओर से जारी हो रहे वीडियो पर भी तंज कसा। अब उन्होंने वीडियो कंपनी चालू करी है बीजेपी वालों ने, जैसे हर शुक्रवार को पिक्चर रिलीज होती है ना, इनका रोज एक वीडियो रिलीज होता है। 9 बजे मॉर्निंग शो शुरू होता है, बस एक ही शो होता है 12 बजे तक, उसके बाद वो शो खत्म, पिक्चर फ्लॉप हो जाती है इनकी सारी। उसमें पिक्चरों में इनके वीडियो में ना तो कोई गाना ना कोई डांस, तो एक वो रिंकिया के पापा डाल देते किसी वीडियो में। इस बीच आम आदमी पार्टी की ओर से केजरीवाल पर पत्थर से हमले का दावा किया गया। पत्थर दिखाकर आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि इसका इस्तेमाल गुजरात में स्कूल निर्माण में किया जाएगा। इस बीच बीजेपी की ओर से एक और वीडियो जारी किया गया जिसमें आम आदमी पार्टी पर बच्चों से प्रचार कराने का आरोप लगाया गया है। दिल्ली में घमासान कूड़े को लेकर भी है। ऐसे में केजरीवाल के दावों पर बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। 13 साल की बच्ची के साथ जिसने दुष्कर्म किया है उससे सत्येंद्र जैन मालिश करा रहे, मसाज करा रहे, बाहर से खाना आ रहा होटल से, मोबाइल फोन इस्तेमाल हो रहा है, मीटिंग हो रही है, जेल अधीक्षक से मिल रहे हैं, वो शहंशाह बने हुए जेल के अंदर, वो वहां जाकर टीवी देख रहे, एसी चला रहे, वहां मीटिंग हो रही को एक्यूज्ड के साथ, विटनेसेस के साथ। बहरहाल दिल्ली एमसीडी में जंग आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी की हो चुकी है, जिसके लिए दोनों ही पार्टियों ने पूरा जोर लगा रखा है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में मंगलवार को पहले चरण के लिए चुनावी प्रचार का शोर समाप्त हो गया है। प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों ने पूरा दमखम दिखाया। बीजेपी की ओर से दिग्गज नेताओं का जमघट लगा तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत से प्रचार किया। किसी ने हुंकार भरी, किसी ने ललकार लगाई, वादों का पिटारा खुला, आरोपों की बौछार हुई, लेकिन अब वक्त है जनता के फैसले का। गुजरात में पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। किसी को अपने सबसे मजबूत किले को बचाना है तो किसी को अपनी खोई हुई विरासत को पाना है। विकास अनेक दिशा में करवाऊ काम जारे गुजरात भाजपा की सरकार करती हुए, केंद्र ने भाजपा की सरकार करती हुए, सेवा भाव थी करती हुए, समर्पण भाव थी करती हुए, लोक कल्याण माटे करती हुए। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी। आज अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी ने ताबड़तोड़ रैलियां की। आनंद और गोधरा में योगी आदित्यनाथ गरजे। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो इसलिए ही आपत्तित था क्योंकि कांग्रेस बैरियर के रूप में काम कर रही थी। ये देश के विकास का बैरियर भी है, आस्था के सम्मान का बैरियर भी है, बहन बेटियों की सुरक्षा का बैरियर भी है, और यह देश को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने का बैरियर भी कांग्रेस बनी हुई है। दाहोद खेड़ा अहमदाबाद में अमित शाह ने मोर्चा संभाला, तो वहीं भावनगर और वडोदरा का जिम्मा जेपी नड्डा ने अपने कंधों पर उठाया। जहां जहां मैं जा रहा हूं, एक उत्साह में देख रहा हूं लोगों, और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए गुजरात की जनता ने मन बना लिया है। पटेल जी ने जो बतौर मुख्यमंत्री किया है और प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद रहा है, उससे गुजरात की जनता बहुत खुश है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की एंट्री ने जंग को त्रिकोणीय बना दिया है, जहां अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के साथ नए गुजरात का भरोसा दे रहे हैं, वादों का पिटारा खोल रहे हैं। आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है,
ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा। गुजरात में कांग्रेस के दिग्गज भी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ये चुनाव अग्नि परीक्षा है। ऐसे में वो अशोक गहलोत और बाकी कांग्रेस के दिग्गजों के साथ गुजरात में प्रचार के आखिरी दिन तक दम लगाते नजर आए। वहीं ओवैसी का तड़का भी चुनाव में लग रहा है। मुझे फोन करके बोलते हैं कि ओवैसी हमारी आवाज को उठाओ, गुजरात में कोई हमारे लिए नहीं लड़ रहा है, कम से कम तुम तो अपने भाषण में बोलो कि हमारे मरने वालों को इंसाफ कब मिलेगा। तो बताओ भाजपा वालों, मोरबी में जो लोग मर गए उनको इंसाफ कब मिलेगा। गुजरात में विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं, जहां पहले चरण में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में 19 जिलों के 2,39,00,000 मतदाता वोट डालेंगे। पहले चरण में 788 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है, जिसमें 70 महिलाएं और 718 पुरुष प्रत्याशी हैं। पहले चरण में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, बीजेपी के अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल और रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा जडेजा की किस्मत दांव पर लगी है। वहीं खंभालिया सीट से आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार इसुदान गढ़वी और गुजरात इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया मैदान में है।